खेल के बहाने राजधानी में विकास का काम धनाधन चल रहा है। सरकार ने करीब 600 लो फ्लोर हाईटेक बसें खरीदने का फैसला लिया है। दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही डीटीसी बसों के साथ साथ आपको ये रंग बिरंगी हाईटेक बसें भी दिखेंगी। सरकार सितंबर से 600 नई बसें सड़कों पर उतारने वाली है। ये न केवल लो फ्लोर बसें होंगी बल्कि इन्हें रंगों के हिसाब से अलग अलग श्रेणी में भी बांटा गया है। जी हाँ, एयर कंडीशन वाली रेड होंगी और नॉन एयर कंडीशन वाली ग्रीन होंगी, और जो हम कॉमनवेल्थ के लिए विशेष लेंगे वो व्हाइट होंगी। कब से मैम, कब से आएंगे? सितंबर अक्टूबर। हम कितनी बसेस होंगी फर्स्ट फ्लीट में? अबाउट 600 इन बसों के लिए सरकार ने 770 करोड़ का बजट तय किया है। इनमें विकलांगों के लिए खास इंतजाम भी किया गया है। साथ ही कॉमनवेल्थ खेलों के प्रचार के लिए इन बसों पर खास तरह की तस्वीरें भी लगाई जाएंगी। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स का लोगो है शेरू का, उस लोगो के स्टिकर्स होंगे, और जो पूरे इंडिया में बसेस के थ्रू, इंटरस्टेट बसेस के थ्रू दिल्ली चलो लोगों से एक दिल्ली की तरफ एक मोमेंटो होगा। दिल्ली में टूरिज्म बढ़ेगा और कॉमनवेल्थ गेम्स की ऑटोमेटिक पब्लिसिटी होगी, और एक इवेंट के लिए एक मोमेंटम जो बिल्डअप होता है वो मोमेंटम बिल्डअप होगा। सितंबर में बसों की पहली खेप के बाद 2008 जून तक 800 और बसें सड़क पर उतारने की योजना है। दिल्ली सरकार कॉमनवेल्थ खेलों की तैयारी के तहत 600 नई आधुनिक और हाईटेक बसें सड़कों पर उतार रही है, लेकिन जो हाल सड़कों का है उससे लगता नहीं है कि जिस मकसद से इन बसों को उतारा जा रहा है वो पूरा हो पाएगा। कैमरा पर्सन सुमन के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली आज तक।